ग्रुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम कंटिन्यूटी पर एक एग्जांपल करें। इस एग्जांपल में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट ओरिजिन, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो एफ एक्स डिफाइंड है वो इस तरह से है, मॉड एक्स बाई एक्स जब एक्स जीरो नहीं है और वन जब एक्स जीरो है। तो आइए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की कंडीशन लिख लें। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस होगा, तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पर तब कंटिन्यूअस होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल्स टू fa। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पर तब कंटिन्यूअस होगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। हमें इस एग्जांपल में कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है? हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट जीरो पे, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए। तो आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, फिर f एट पॉइंट a, दैट मीन्स f जीरो, इसे f जीरो करिए और फिर f जीरो कैलकुलेट करें और देखें कि क्या ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच इज इट ओके इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ माइनस एच की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स की वैल्यू क्या है? मॉड एक्स बाई एक्स। तो f माइनस एच की वैल्यू क्या होगी? मॉड माइनस एच बाई माइनस एच। f माइनस एच, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू जीरो f माइनस एच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी h। तो h अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हुई वो हुई माइनस वन। आइए अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, दैट मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? मॉड एक्स बाई एक्स। तो एफ एच की वैल्यू क्या होगी? मॉड एच बाई एच, दैट मीन्स एफ एच की जो वैल्यू होगी वो होगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ एच की वैल्यू क्या होगी? मॉड एच बाई एच।
और mod h by h की वैल्यू क्या होगी 1, so this is equals to 1. यहीं से हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो है -1, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो है +1. दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है. दैट मींस ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. किस पॉइंट पे? एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पे. हमें f0 चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. वैसे f0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? f0 की वैल्यू इसने दे रखी है 1, तो f0 की वैल्यू लिख लीजिए आप, f0 इज इक्वल्स टू 1. तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx. सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. At origin.